गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करेंगे आज टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का सेकंड पार्ट। पहला रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस था, आज हमने साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पढ़ना है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? यहाँ पे सिम्पोडियल ब्रांचिंग होती है। ओल्डेस्ट फ्लावर जो होता है वो टॉप पे होता है पेडिसल के, ठीक है, या सेंट्रल पोजिशन पे होता है, ठीक है। प्राइमरी एक्सीज जो होती है, मेन एक्सीज और जो उनकी डॉटर ब्रांच होती हैं उन सब में वो टर्मिनेट हो जाती हैं किसमें, एंडोफ्लावर, ठीक है। हम ये बता सकते हैं कि एक्सीज की ग्रोथ जो है वो लिमिट हो जाती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, ठीक है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस या तो सिंपल हो सकती है या ये क्या होती है, ये कंपाउंड होती है। सिंपल काइंड क्या होता है? सिंपल साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? जहाँ पे मेन एक्सिस जो है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है और इसके 1-2 या उससे ज़्यादा फ्लावर जो होते हैं वो इसके पेडिसल पे अराइज होते हैं। मीन्स हम ये बता सकते हैं ये टर्मिनल फ्लावर है, 1-2 या 2 से ज़्यादा पेडिसल अराइज होते हैं मेन एक्सिस पे, और इसकी शेप कैसी आती है? अम्बेल जैसी आती है। लेकिन अम्बेल से ये कैसे डिफर करता है? क्योंकि यहाँ पे ओल्डेस्ट फ्लावर जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड साइमोस या कंपाउंड काइम क्या होता है? यहाँ पे लेटर ब्रांच जो होते हैं वो कंटिन्यू ग्रो करती हैं और फर्दर रो ब्रांचिंग करती है। ये तो या मोनोकिज्म होगा या डाइकिज्म होगा, या इसको यूनिपेरस बाईपेरस या इसको पॉली केजियल काइम भी बोलते हैं। मोनोकेजियम का मतलब होता है एक ही साइड का काइम, जहाँ पे मेन एक्सिस जो टर्मिनेट होती है फ्लावर पे और जो पेडिसल होती है इसकी, उसमें 2 ब्रैक्टियल्स होते हैं, एक से ब्रांच निकलती है, ठीक है। जो इसकी एक एक बर्ड से 2 ब्रांच नहीं निकलती है, मोनो मीन्स सिंगल, जब बर्ड से सिंगल ही ब्रांच निकलेगी हर एक नोड पे तो हम उसको क्या बोलते हैं? मोनोकेजियम बोलते हैं, वन साइड काइम बोलते हैं, ठीक है। वो भी हेलिकॉइड हो सकता है या स्कॉर्पॉइड हो सकता है। हेलिकॉइड का मतलब होता है जब डेवलपमेंट बर्ड की एक ही साइड में होगी, या तो लेफ्ट में या तो राइट में होगी। हेलिकॉइड स्कॉर्पॉइड का मतलब होता है जब डेवलपमेंट दोनों साइड होगी, 2 ब्रांच निकलेंगी, एक राइट पे और एक लेफ्ट पे अल्टरनेटिवली, ठीक है, ठीक है। हेलिकॉइड क्या होता है? जब एक ही साइड पे ब्रांच निकलेगी, ये पहली ब्रांच यहाँ से, दूसरी फिर यहाँ से, तीसरी यहाँ से ही, चौथी, जब वन साइडेड ही ब्रांच निकलेंगी तो हम उसको हेलिकॉइड बोलते हैं। स्कॉर्पॉइड क्या होता है? जब अल्टरनेट ब्रांच, पहले एक साइड फिर दूसरी साइड फिर तीसरी साइड फिर फोर्थ साइड, फिर अल्टरनेटिवली जो बर्ड से ब्रांच निकलेगी उसको हम स्कॉर्पॉइड बोलते हैं, ठीक है। हेलिकॉइड क्या होता है? जब एक ही साइड से एक 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 ब्रांच निकलेगी, ठीक है। तो यही यूनिपेरिस या जो मोनोकेजियल आपने पढ़ा, इसमें मेन एक्सिस जो होती है वो टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में और एक ही डॉटर एक्सिस बनाती है। डॉटर एक्सिस जो है वो अगेन टर्मिनेट होती है और फ्लावर बनाती है, ठीक है। फिर आगे वो डॉटर एक्सिस बनाती हैं जैसे बिगोनिया में। ऐसे बाईपेरिस काइम क्या होता है? मेन एक्सिस जो होती है वहाँ पे फ्लावर बनता है और वो हर एक पॉइंट पे 2-2 डॉटर एक्सिस बनती हैं, ठीक है। 2 डॉटर एक्सिस जो हैं फिर वो फिर से फ्लावर बनाते हैं और फिर से वो, मतलब ब्रांचिंग रीब्रांचिंग, हम ये बता सकते हैं हर एक नोड पे 2-2 डॉटर ब्रांच निकलती हैं, 2-2 ब्रांच निकलती हैं। ये देखिए यहाँ पे भी 2, फिर यहाँ पे भी 2, ठीक है। ऐसे हर ब्रांचिंग जो होती है हर पॉइंट पे 2-2 होती है और मोनो में या यूनि में एक एक ब्रांच निकलती है, ठीक है। ये देखिए ये है मेन ब्रांच टर्मिनेट होगी फ्लावर और इसके दोनों साइड 2 ब्रांच निकले, हो गया बाईपेरस 2। फिर जो इसके आगे ब्रांच है वहाँ पे भी 2 निकलेंगे ब्रांच। ऐसे ही ये ब्रांच है, इसके आगे भी ये मेन ब्रांच टर्मिनेट हो जाएगी फ्लावर में और ये 2 साइड फिर से ब्रांच निकलेंगे, फिर आगे फिर इनकी ब्रांचिंग रीब्रांचिंग होगी, ठीक है। ऐसे ही एक और होता है मल्टीपेरस काइम। मल्टीपेरस का मतलब होता है मेन एक्सिस जो होती है वो एंड हो जाती है फ्लावर में और मल्टीपल एक्सिस फॉर्म करती हैं, फिर हर एक क्या बनाती है वो ब्रांचिंग सिमिलर मैनर में बना, बहुत सारी ब्रांच निकलती हैं, एक नहीं 2 नहीं ज़्यादा, 2 से ज़्यादा ब्रांच जब हर एक नोड पे निकलेंगी हम उसको मल्टीपेरस काइम बोलते हैं। ये देखिए ये मेन एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट हो गई, ये जो इसकी ब्रांच निकल, इस पर मल्टीपल ब्रांच निकलती हैं, ये देखिए ये 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 ये, फिर ऐसे ही मल्टीपल ब्रांच निकलेंगी मेन एक्सिस से तो हम उसको मोनोपेरस काइम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही
स्पेशल इनफ्लोरिसेंस भी होती है, सायाथियम, वोर्टिसेला ऑस्टर और हाइपेंटोटियम। ठीक है, सायाथियम है क्या होता है, यहाँ पे कप शेप प्रेजेंट होता है, कप शेप ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें ई पेटलस पिस्टले मीन्स पिस्टल वाले फ्लावर, पिस्टल मीन्स फीमेल पार्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है वहाँ पे, आसपास स्टेमिनेट फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे पूरा ये कप जैसा बनता है, इसके आसपास क्या प्रेजेंट होते हैं, ए पेटलस फ्लावर्स होते हैं जो कि पिस्टलेट होते हैं। पिस्टलेट का मतलब क्या है, उसके अंदर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट, और इसके आसपास क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें स्टेमन प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सायाथियम बोलते हैं। ऐसे वोर्टिसेलास्टर क्या होता है, ये वो इनफ्लोरिसेंस है, वो वर्ल्ड इनफ्लोरिस है, वहाँ फ्लावर जो है वो स्टेम पे इंटरवल्स पे, एक ये इंटरवल्स पे ये पूरा रिंग जैसे फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं हर एक पॉइंट पे। ठीक है, फिर इसकी टिप जो है वो कॉन्टीन्यूसली ग्रो करती है और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड्स बनाती हैं। वर्टिसेलास्टर में हम क्या बता सकते हैं, ये वो वर्ल्ड इनफ्लोरिसेंस है, यहाँ पे फ्लावर के वर्ल्ड बनते हैं रिंग फॉर्म में, ऐसे रिंग्स बनते हैं स्टेम के इंटरवल्स पे। ठीक है, ऐसे ही टिप जो होती है वो ग्रो करती है कंटिन्यूअसली, और जैसे जैसे ग्रो करेगी और ये इंटरवल्स पे क्या बनाती जाएगी, वर्ल्स बनाती जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वोर्टिसेलास्टर। ऐसे हाइपेंटोडियम क्या होता है, यहाँ पे फ्लावर जो होते हैं वो कहाँ पे, ये सेंटर में क्या एक हॉलो फ्लैशी पेयर शेप स्ट्रक्चर होता है, उसी में क्या बनते हैं, उसी के इनर साइड में फ्लावर्स डेवलप होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपेंथोडियम इनफ्लोरिसेंस, वो इनफ्लोरिसेंस इन एन इनफ्लोरिसेंस विद द फ्लावर्स बॉर्न ऑन द वॉल्स ऑफ कैपिचुना मींस हेड पे, जो इनके इनर साइड में जो सिसाइल फ्लावर बनते हैं, पेडिसलेट जिनमें पेडिसल नहीं होती है वो फ्लावर्स बनते हैं, और ये कप पेयर शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम हाइपेंटोडियम बोलते हैं, जैसे किस में, फाइकस में। ठीक है, फिर एक और होती है मिक्स्ड इन्फ्लोरिसेंस जिसमें रेसिमोस और साइमोस दोनों ब्रांच निकलती हैं एक ही इन्फ्लोरिसेंस पे। ठीक है, आप साइमोस इन्फ्लोरिसेंस याद रखेंगे, इसमें सिंपल काइम क्या होता है, कंपाउंड काइम क्या होता है, जिसमें मोनोकेजियम में हेलिकॉइड और स्कॉर्पॉइड आता है। ठीक है, मोनोकेजियम में एक ही साइड से सारी सिंगल सिंगल ब्रांच निकलती है। ठीक है, डाई में दो साइड में ब्रांचिंग निकलती है। ठीक है, फिर ऐसे ही हेलिकॉइड मोनोकेजियम में हेलिकॉइड और स्कॉर्पॉइड आता है, हेलिकॉइड मीन्स एक ही साइड में सारी ब्रांच निकलती हैं, स्कॉर्पॉइड में अल्टरनेटिंग ब्रांचिंग होती है। ठीक है, ऐसे ही फिर यूनिपेरस या मोनोकेजियम कायम, जब एक ही डॉटर एक्सिस निकलेगी, मेन एक्सिस में फ्लावर निकलेगा और उसी से डॉटर एक्सिस सिंगल निकलेगी, फिर उसको हम यूनिपेरस कायम बोलते हैं। बायमीस, जब मेन एक्सिस एंड होगी फ्लावर में और दो दो डॉटर एक्सिस निकलेंगी। ठीक है ना, मेन एक्सिस फ्लावर बनाएगी और यहां से दो दो डॉटर एक्सिस, फिर उनकी भी फर्दर ब्रांचिंग जो होगी वो भी दो दो की होगी। ठीक है, ऐसे ही मल्टीपेरस में भी मेन जो है टिप वो टर्मिनेट हो जाएगी फ्लावर में और उसके एंड से क्या निकलेंगी, बहुत सारी ब्रांच निकलेंगी। ये देखिए, ये पूरा सेट ही निकलता है। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपेरस बोलते हैं, मोनोकेज। ठीक है, फिर स्पेशल ब्रांच टाइप ऑफ एनसायथियम है, वर्टिसेलास्टर है और हाइपेंथोडियम है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और लास्ट में एक आती है मिक्स्ड इन्फ्लोरिसेंस, जहाँ पे रेसिमोस और साइमोस टाइप ऑफ ब्रांचिंग जो होती है वो एक ही इन्फ्लोरिसेंस में आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।